तो आप देख रहे हैं आज तक मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा उत्तर प्रदेश में इस समय चल रहा है। हाथरस जाने के लिए निकले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों कांग्रेस नेता भाई बहन को इस वक्त यूपी पुलिस हिरासत में ले चुकी है और दोनों को ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर फॉर्मूला वन गेस्ट हाउस में ले जाया गया है। दोनों को ही वहां बैठाया गया है और वहां यूपी पुलिस के अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि वो वापस लौट जाएं, लेकिन राहुल प्रियंका इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो हाथरस जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। दोनों का कहना यह है कि आखिर यूपी की सरकार इतना डर क्यों रही है, उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने से रोका क्यों जा रहा है, क्यों उनको शोक जताने तक के लिए जाने नहीं दिया जा रहा। आपको बता दें कि राहुल और प्रियंका कई कांग्रेस नेताओं के साथ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निकले थे जाने के लिए हाथरस। डीएनडी एक्सप्रेसवे के जरिए उनका काफिला बढ़ा था हाथरस की तरफ, लेकिन ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर परी चौक के आसपास उनके काफिले को रोक लिया गया और उनको आगे जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। यूपी पुलिस ने कहा कि उनका हाथरस जाना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगाड़ देगा, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ देगा, लिहाजा उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब वो दोनों नहीं माने तो उनको हिरासत में ले लिया गया, दोनों को ही फॉर्मूला वन गेस्ट हाउस यूपी पुलिस इस वक्त ले गई है। तस्वीरें हम आपको वहां की भी दिखा रहे हैं और साथ ही उसके पहले की तस्वीरें, जब दोनों को हिरासत में लिया गया, जीप में बैठा लिया गया, कांग्रेस कार्यकर्ता जीप के ऊपर चढ़ गए, पूरा रास्ता उन्होंने रोक लिया और राहुल गांधी को आगे नहीं ले जाने देने की कोशिश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की तो यूपी पुलिस ने लाठियां फटकारते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ दिया। इसके बाद ले जाया गया राहुल और प्रियंका को, दोनों को गेस्ट हाउस में, फॉर्मूला वन गेस्ट हाउस में रखा गया है फिलहाल दोनों को और वहां उनसे बातचीत यूपी पुलिस अभी कर रही है। तो राहुल गांधी से आज तक ने बात की, जब राहुल गांधी अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ हाथरस जाने के लिए अड़े हुए थे, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। मैंने उनसे कहा कि 144 का मतलब पब्लिक असेंबली नहीं, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये सब जो कांग्रेस वाले हैं इनको यहाँ रोक दूंगा, आप मुझे अकेला जाने दीजिए, मैं वो पब्लिक असेंबली नहीं होती है, 144 में अकेला आदमी चल सकता है, वो मुझे धकेल के गिरा दिया। रात को 2:30 बजे राहुल जी, रात को 2:30 बजे अगर आग दी जाती है, रात को 2:30 बजे अग्नि दी गई, चिता लगाई गई, परिवार के विशेष कहते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं उस परिवार से जाके मिलना चाहता हूँ, बस मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूँ और मैं बता रहा हूँ ये मुझे रोक नहीं पाएंगे। योगी जी ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पे SIT बिठा दी है, क्या इतना काफी है? प्रधानमंत्री ने कहा जल्दी, वो सब ठीक है मगर मैं उस परिवार से जाके मिलूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री आप यहाँ से वापस नहीं जाने वाले? और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी वो कोई क्राइम नहीं है जी, जी। सर आप उत्तर प्रदेश के पुलिस के रवैये को क्या कहेंगे? सर पुलिस के रवैये को, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं, मैं उस परिवार से मिलना चाहता हूं। इसी बात को लेकर काफी धक्का मुक्की की स्थिति हुई और धक्का मुक्की की स्थिति यहां तक पहुंची कि राहुल गांधी गिर भी पड़े थे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीच की तस्वीर जो आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीर है जब राहुल गांधी गिर पड़े थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पर भी लाठियां बरसाई यूपी की पुलिस ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तो लाठियां चली ही थी, उसकी तस्वीरें भी आपने देखी हैं। देख सकते हैं आप कार्यकर्ता जब राहुल गांधी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनकी गाड़ी जिसमें पुलिस ले जा रही थी उनको, उसके आगे कांग्रेस कार्यकर्ता आ गए थे, उसके ऊपर चढ़ गए थे, तो कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए यूपी पुलिस ने खूब लाठियां फटकारी और उसके बाद वहां से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया गया। लेकिन यूपी की सरकार का कहना यह कि केवल फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए निकल रहे थे, ये अगर जाना चाहते तो मंजूरी लेकर जाते, ड्रामा करना चाहते थे इसलिए इस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने यूपी सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाए। F1 गेस्ट हाउस, फॉर्मूला वन गेस्ट हाउस, अंकित त्यागी इस वक्त वहां पर मौजूद है हमारे साथ लाइव, सीधे उनके पास चल सकते हैं। अंकित क्या हो रहा है वहां पर?
देखिए रोहित, इस समय ये F1 फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस है जहां पर यहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रखा गया है। दीपेंद्र हुड्डा और जितिन प्रसादा अगर आप देखें तो इस समय अंदर जा रहे हैं। जितिन जस्ट वन सेकेंड, अभी आप लोग पहुंचे हैं। जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, वो कह रहे हैं कि अगर जाना था परमिशन लेके जाते, ये सब तो ड्रामा करने के लिए कराए कांग्रेस ने। जब राहुल जी किसी से संवेदना प्रकट करने जा रहे हैं और पूरा कोविड नॉर्म्स का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं तो कितनी फोर्स लगाने की क्या जरूरत थी? क्या वजह रही कि यहाँ पूरी फोर्स लगा दी और अपराध पूरा उत्तर प्रदेश में हो रहा है? पुलिस कह रही है कि अगर आप लोग वापस जाएंगे तो आपको जाने दिया जाएगा, तो क्या राहुल गांधी पहले उस समय कह रहे थे कि मुझे रोक नहीं सकते, तो अभी भी पूरा कार्यक्रम है जाने का? हाथरस जाने के लिए तैयार है मगर अभी भी प्रशासन और पुलिस तैयार नहीं है। कब तक बैठेंगे आप लोग? जाके देखते हैं, राहुल जी और प्रियंका जी को यहाँ बंद कर रखा है, मिलने आए। जितिन प्रसादा वहां पर इस समय अंदर उन पहुंचे हैं, कुछ कांग्रेस के जो वर्कर हैं। आप यहां पर पूरी जो पूरा जोर आजमाइश जो चल रही है दरवाजों के बीच में, एक तरफ पुलिस और एक तरफ कांग्रेस के कुछ वर्कर। रोहित, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेन रोड है जहां पर जो यमुना एक्सप्रेसवे है उससे करीब 4 किलोमीटर दूर है, और यमुना एक्सप्रेसवे से जैसे ही आप बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट की तरफ आते हैं वहीं पर बैरिकेडिंग लगा के भारी पुलिस का बंदोबस्त करके गाड़ियां रोक दी गई हैं। हम लोग करीब 3-3.5 किलोमीटर चल के यहां पहुंचे हैं और इस समय बिल्कुल अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कांग्रेस के कुछ नेता अंदर अभी गए हैं। राहुल और प्रियंका गांधी और रणदीप सिंह सुरजेवाला ऑलरेडी अंदर ही हैं और यहां पर पुलिस ने अब किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। तो यहां पर जो आप रस्साकसी देख रहे थे अब ताला लगा दिया गया है इस गेट पर। यह है F1 सर्किट का जो गेस्ट हाउस है जहां पर राहुल और प्रियंका गांधी को रखा गया है। अब सवाल यही है, जितिन प्रसाद से मैंने यही सवाल पूछा कि क्या अभी भी वो अपनी जो मांग थी उस पर अडिग हैं, क्या अभी भी वो जाना चाहेंगे? क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि अगर ये अभी यहां से जाने की अपनी जो हट है उसको छोड़ देते हैं तो उनको यहां से दिल्ली की ओर रवाना कर दिया जाएगा। अंदर अभी इस समय जो यहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी जो हैं, वो मौजूद हैं और लगातार लखनऊ से बात करके ये बात का फैसला लिया जा रहा है कि इसके आगे क्या किया जाएगा। भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंच गए हैं और आपकी जैसे कि मैंने अभी आपकी बात करा थी जितिन प्रसाद से, दीपेंद्र हुड्डा, जितिन प्रसाद और रागिनी नायक अभी बिल्कुल यहां से अंदर गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रियंका और राहुल गांधी अंदर पहुंचे हुए हैं काफी देर से। अब देखना यह होगा कि क्या वो मान जाते हैं पुलिस की बात को। पुलिस कह रही है धारा 144 लगी हुई है कोविड होने के कारण, उस पूरे सेक्शन को, उस हाथरस के जो गांव है भूलगढ़ी गांव, वहां पर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। लेकिन अभी इस समय पिछले करीब 20 मिनट से कम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अंदर हैं और अभी वार्तालाप उनसे चल रही है, उन्हें मनाने की कोशिश चल रही है कि आप लोग यहां से दिल्ली वापस लौट जाएं। उनको लौटना ही होता तो वो परिचौक से ना लौट जाते, यहां बैठ के समझाने से क्या होगा? बिल्कुल, और कोशिश देखिए यही है। और इस समय कांग्रेस के वर्कर्स को लगता है कि जिस तरीके से वो बाहर निकले हैं, अखिलेश यादव, मायावती ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाहर निकले हैं, राहुल गांधी शायद आज लेकिन प्रियंका गांधी पिछले कुछ दिनों से ट्विटर पर लगातार इस खबर के साथ बनी हुई थी, तो उनको लगता है कि ये एक मौका है राजनीति का भी और एक साथ ही साथ इस तरीके से अपने आप को दिखाने का भी कि इस समय अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ कोई विपक्ष दिख रहा है सड़कों पर तो वो कांग्रेस पार्टी है। और यही कोशिश थी कि इस तरीके से आज इसको पूरी तरीके से वहां पर दिखाया जाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इस तरह के कई बार पहले भी यात्राएं कर चुके हैं लेकिन अभी ये स्थिति जस की तस बनी हुई है। और शायद सुप्रिया श्रीनेत इस वक्त धरने पर बैठ गई हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, वो कुछ कह रही है, सुनवा देते हैं। रुको ना, ये सरकार दमन की राजनीति पर उतारू है, ये सरकार दमन पर उतारू है, तानाशाही रवैया अपना रही है। ये सरकार किसी पीड़ित बहन के परिवार से मिलकर जाकर दुख दर्द बांटना, साझा करना क्या गुनाह है? एक बेटी जो न्याय की आस में दम तोड़ दिया, इलाज तो सरकार करा नहीं पाई, उसे हक तो दिला नहीं पाई, न्याय तो दिया नहीं, तड़पते रहे उसके माँ बाप, जबरन शव को दफन कर दिया, परिवार न्याय मांगा, पुलिस ने न्याय देने के बजाय उसके पूरे मामले को दबाना चाहा। सरकार किसके संरक्षण में उस पूरे मामले को गुमराह करती रही? सरकार के अधिकारियों ने ट्वीट किया, फेक न्यूज है, किसके इशारे पर किया? मीडिया सलाहकार ने किया, फेक न्यूज है, किसके इशारे पर किया? ये सरकार आज आदरणीय राहुल गांधी जी पैदल चलना चाहते हैं, जा रहे थे उस बेटी का के दुख दर्द में शामिल होने, उस परिवार से मिलने, लाठी चलाया कार्यकर्ताओं पर, कार्यकर्ताओं का हाथ तोड़ा, महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ तोड़ा। अगर सरकार के पास लाठी है तो हमारा सर है,
अगर सरकार के पास बंदूक है तो हमारा सीना है, लड़ने वाले हैं, करने वाले नहीं है। चलाओ गोली, हम गोली साने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हम संघर्ष जब तक हाथरस नहीं जाएंगे, जब तक हाथरस नहीं जाएंगे। तो आप सुन रहे थे अजय कुमार लल्लू, यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं सरकार दमन करना चाहती है, गोली चलाए, हम खड़े हैं, सीना तान के खड़े हैं। राहुल और प्रियंका दोनों अंदर हैं इस वक्त फॉर्मूला वन गेस्ट हाउस में, और दोनों को यूपी पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है कि आप यहां से वापस लौट जाइए, आपको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। लेकिन अब मसला ये है, अंकित त्यागी हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। अंकित, शायद यूपी सरकार रोकती नहीं तो कांग्रेस पार्टी को जिस फोटो अपॉर्चुनिटी का वो हवाला दे रहे हैं, वो फोटो अपॉर्चुनिटी भी उतनी मिलती नहीं, रोकने से ज्यादा मिल गई शायद। रोका और साथ ही साथ पदयात्रा करने का मौका दिया, आज राहुल गांधी को धक्का भी दे दिया। तो अगर फोटो अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इससे बेहतर पॉलिटिकली जो मैसेजिंग है शायद ही जो कस्टम मेड हो सकती थी रोहित, वो बिल्कुल इस समय मिली है कांग्रेस पार्टी को। अगर सरकार नहीं रोकती तो शायद इस तरीके का तमाशा देखने को नहीं मिलता, लेकिन अब सरकार ने जरूर इंश्योर कर दिया है कि आज रात को जो सारी स्क्रीन्स हैं उस पर राहुल गांधी को धक्का मार के गिराते हुए वाले जो विजुअल हैं वो जरूर चल जाएं, और साथ ही साथ खुद उनको कुछ देर पैदल चलने दिया, यहां रोककर अब इधर यहां पे जिस तरीके से रखा हुआ है, जब तक वो अंदर यहां पर रहेंगे धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पे जुड़ती रहेगी, अगर यहां नहीं पहुंचेंगे तो उनको बाहर रोका जाएगा, तो वहां पे उनसे मारपिटाई और खींचतान चलेगी। तो कम से कम आज जो पूरा दिन है वो जरूर दे दिया है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। अब साथ जितना परेशान शायद योगी आदित्यनाथ इस समय नहीं हो रहे होंगे, उससे ज्यादा परेशान वहां पर अखिलेश यादव और मायावती होंगे, क्योंकि वो दोनों अभी ट्विटर पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके से बाहर उतरने के बाद राजनीति के हिसाब से अगर आप देखें तो एक बात जरूर स्पष्ट हो चुकी, कांग्रेस ने कम से कम इस मुद्दे पर अपने आप को उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष के नाते जरूर खड़ा कर दिया है। और जिस तरीके से अभी पिछले आधे पौने घंटे से अंदर बातचीत चल रही है, लगता नहीं है कि बहुत जल्दी जो डेडलॉक है, जो कोशिश चल रही है कि उनको किस तरीके से समझा बुझाकर वापस भेज दिया जाए, जैसे आप पहले कह रहे थे अगर उन्हें समझना होता, लौटना होता तो शायद परिचौक से ही वापस लौट जाते, वो सिचुएशन जो है, वो स्थिति जो है, जब तक यहां बनी रहेगी तब तक यहां पर ये लाइव अपॉर्चुनिटी, जो फोटो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, वो कांग्रेस को मिलती रहेगी। रोहित, बिल्कुल वापस आते हैं अंकित आपके पास, आप रहिएगा हमारे साथ। अंकित त्यागी आपको दिखा रहे हैं सीधी तस्वीरें, ये फॉर्मूला वन गेस्ट हाउस है जहां पर रखा गया है राहुल और प्रियंका को, दोनों को उनसे बातचीत की जा रही है, पुलिस अधिकारी उनको समझा रहे हैं कि आप वापस लौट जाइए, आपको हाथरस तो नहीं जाने देंगे। राहुल और प्रियंका दोनों अड़े हुए हैं इस बात पर कि वो हाथरस जाएंगे। हिरासत में लिए जाने के पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। The Chief Minister is responsible for the safety of women in the state. There is no way that he can get away with the fact that every single day 11 rape cases of a heinous kind, of this kind, where their bones are broken, they are strangulated, all sorts of things are going on. And nothing is being done. As you must remember that last year we were fighting this fight for the Unnao rape victim. Right. And after that, another one happened in Unnao itself. Yes. Thereafter, every single day such cases are happening. Yes. And the government, instead of taking action, instead of being sensitive towards the family of these poor girls, yes, is actually putting them through more pain. Yes. They're being kept locked up in their house. Can you imagine the plight of a father who cannot bring his daughter home for the last time? Yes. A father who is not allowed to cremate his daughter. आप हिंदू धर्म के रखवाले हैं, हिंदू धर्म के रखवाले हैं, और आपने ये स्थिति बना दी कि एक पिता अपनी बेटी की चिता नहीं जला पाए, ये कौन सा धर्म है? योगी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, उसके बाद ऐसे इतना बुलवाओगे तो मैं 100 किलोमीटर कैसे चलूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम वापस आ रहे हैं, हमारे सहयोगी अंकित त्यागी लाइव मौजूद हैं F1 गेस्ट हाउस ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर। और साथ ही आपको बता दें आज 5 बजे दंगल इसी सवाल पर है, बेटियां बहाना है, राजनीति चमकाना है। छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक।